जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। साथियों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। रीजनिंग में पढ़ेंगे आकृतियों की गणना, ठीक है। कल आपका ये टॉपिक शुरू हो गया था, आधी क्लास हो गई थी कल, और कुछ क्लास को हम आज करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेशन के माध्यम से प्यार दिखाया था कि दीदी ये टॉपिक हमको समझ नहीं आता था, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। ये टॉपिक बस कुछ नहीं मांगता, बस थोड़ा सा दिमाग मांगता है। और दिमाग किस चीज के लिए, कि कुछ चीजें इसमें आपको याद करनी होती हैं, ठीक है साथियों। तो फिर मैं सेशन को शुरू करती हूँ। जैसा कि कल हमने एक दो, ये दो प्रश्न आसानी से पढ़ लिए थे, है ना। मैंने आपको बताया था किसी वर्ग या आयत के अंदर, किसी वर्ग या आयत के अंदर दो या दो से अधिक, किसी वर्ग, आप देख रहे हो ना, वर्ग के अंदर दो या दो से अधिक रेखाएं हो तो हम क्या करते हैं। सबसे पहले गिन लो, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, ये आठ हो गई, ठीक है। ये आपके खाने कितने हो गए, आठ खाने हो गए। अब देखो रेखाएं दो या दो से अधिक हैं या नहीं है, दो तीन चार, बिल्कुल दीदी रेखाएं दो या दो से अधिक है तो हम क्या करेंगे, दो से गुणा कर देते हैं। आठ दुनी सोलह, इसमें त्रिभुज कितने होंगे, इसमें त्रिभुज सोलह होंगे। ये हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था, आज भी सीख गए, है ना। अब आप मुझे इसे बताओ, इसमें कितने त्रिभुज होंगे, एक दो तीन चार, ठीक है। अब रेखाएं कितनी है, एक दो, मैंने बोला था ना दो या दो से अधिक रेखाएं हो तो हम यहाँ दो का गुणा कर देते हैं, तो चार तो नहीं आठ, इसमें आठ त्रिभुज होंगे, ठीक। अब बात आती है इन आयत या वर्ग में त्रिभुज निकालेंगे तो कैसी कंडीशन में निकालेंगे, बात अब ये आ रही है। तो आप देख लो, यहां आपको दिया गया है एक वर्ग तो आपका ये है, और फिर इसी में जॉइंट कर दिया गया है एक और वर्ग, है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। अब आप मुझे ये बताओ, एक जॉइंट तो ये हो गया और एक जॉइंट ये हो गया, बिना जॉइंट के ये जुड़ जाते, बिल्कुल नहीं जुड़ते, बिना जॉइंट के ये बिल्कुल भी नहीं जुड़ते। थोड़ा आप इसको पढ़ लीजिए, जॉइंट हमेशा एक ही बार गिना जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हो ये पूरी कंडीशन एक ही जॉइंट से जुड़ी है, तो मैंने लिख दिया है जॉइंट हमेशा एक ही बार गिना जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई इसका भी जॉइंट है, इसका भी जॉइंट है तो आपने चार जॉइंट बना दिए, ऐसा नहीं करेंगे। अगर दो चीजें जुड़ रही हैं तो जॉइंट हमेशा एक ही गिना जाएगा, जॉइंट एक से ज्यादा बार भी गिना जा सकता है। किस कंडीशन में, इस कंडीशन में, ठीक है, हम समझने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से। अब आप मुझे ये बताओ, इसमें आपके कितने त्रिभुज थे, इसमें कितने त्रिभुज थे जब आपने इसको निकाला, तो इसमें आठ थे ना, देखो एक दो तीन चार, ठीक है, सॉरी यहाँ चार लिखो, चार और गुणा दो का करना है, क्योंकि रेखा कितनी है, दो रेखाएं, मैंने बोला था ना दो या दो से अधिक रेखा हो तो हम गुणा दो का कर देते हैं। तो मतलब कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, आठ त्रिभुज हैं, इसमें आठ हो गए, इसमें आठ हो गए, क्योंकि ये भी तो बिल्कुल सेम इसी का है, बिल्कुल ये भी बिल्कुल आपका सेम इसी का है। आपको ये कंडीशन अच्छे से समझ आ गई, आठ इसके हो गए, आठ इसके हो गए, इन दोनों को जोड़ो और ज्वाइंट कितने हैं, एक दो, दो आपके ज्वाइंट है, आठ आठ दुनी सोलह सत्रह अठारह, इसमें कितने त्रिभुज होंगे, अठारह त्रिभुज होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, भाई मैंने आपको बता दिया है इसमें आठ होंगे, अब आप पूछोगे दीदी आठ कैसे होंगे, भाई बता दिया है एक दो तीन चार, है ना, चार गुणा, अब यहाँ दो या दो से अधिक लाइनें हो तो दो का गुणा, चार दुनी आठ, ठीक है, इसमें आठ होंगे तो इसमें भी आठ होंगे और इसमें भी आठ होंगे, ठीक है। आठ आठ दुनी सोलह, आठ दिया चौबीस, ऐसे जोड़ो, आठ दिया चौबीस, ठीक है। ज्वाइंट कितने हैं, एक ज्वाइंट दो तीन चार, ठीक है, चौबीस में चार जोड़ो
28 इसमें हो जाएंगे त्रिभुज, समझ गए। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, इसमें कितने ज्वाइंट होंगे, सॉरी इसमें मैंने ऐसे करना भूल गई, इसमें ऐसे भी है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इसमें कितने त्रिभुज होंगे, बताओ। अब देखो इसमें हो गए आपके 8, इसमें कितने हो गए 8, 8 इसके 8, 8, 8, 8, 8, 8, ठीक है। जॉइंट देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ज्वाइंट कितने हैं, 12 ज्वाइंट हैं। इनको जोड़ो 8 × 8 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 6 = 32, 8 × 5 = 48, 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48, 56 है ना, कितने हो गए 56। और ये 12 क्या है, ज्वाइंट हैं, 12 ज्वाइंट हैं। जब आप जोड़ोगे तो ये 68 त्रिभुज इस पूरे खाने में बनेंगे, ठीक है, समझ गए प्यारे बच्चों। अब आप इसको बताओ कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इस प्रश्न को करने की कोशिश कीजिए, कीजिए कोशिश, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। हाँ तो कैसे करेंगे, देखो इस पूरे में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, इस पूरे में 8 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, इस पूरे में 8 त्रिभुज हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, 8 × 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, जोड़ के कितने हो गए 24। अब आप देखो ज्वाइंट कितने हैं, ज्वाइंट कितने हैं, देखो इन दोनों के बीच में अगर मैं इसको हटा दूं, इसके और इसके बीच में ज्वाइंट बनेगा, ये मैंने हटा ही दिया लो, ठीक है, इसमें और इसमें एक ज्वाइंट इसका बन जाएगा यहां का, ठीक है, समझ गए। इन दोनों के बीच के कितने ज्वाइंट हैं, 1, 2 ज्वाइंट इनके। अब मैं इसको हटा दूं, इस वाले को, अब सिर्फ ये दोनों हैं, अब सिर्फ ये दोनों हैं। अब आप मुझे ये बताओ इन दोनों के ज्वाइंट कैसे बनेंगे, एक ज्वाइंट इसका यहां बनेगा तभी तो ये जुड़ पाएगा, और एक ज्वाइंट यहां बनेगा, 1, 2 इसके 2 ज्वाइंट हो गए। यहां तक कंडीशन आप समझ गए, यहां तक आपको कंडीशन अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना। ये कितने हो गए, 24, 25, 26, 27, 28, बहुत सारे बच्चों का आंसर 28 आ रहा होगा, है ना, जो कि अभी गलत है। क्यों गलत है, अभी हमको थोड़ा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ज्वाइंट हमेशा एक ही बार गिना जाएगा, भाई हमने एक ही बार गिना है, इसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा ब्लैक में आ जाइए। ज्वाइंट हमेशा केवल दो खानों के बीच में ही बनता है, दो खानों के बीच में बन रहा है, बिल्कुल सही है, इसमें इसमें बना लिया, इसको हटा के इसमें बना लिया, ठीक। जबकि अगर कोई त्रिभुज दो से अधिक खानों से मिलकर बना है, कोई त्रिभुज दो से अधिक खानों से मिलकर बना है, ठीक है, इसकी बात हो रही है, मतलब पहले तो ये बन गए थे फिर बाद में इसको भी जोड़ा, ठीक है, तो उस त्रिभुज की गिनती ज्वाइंट से अलग गिनी जाएगी। देखो अब प्यारे बच्चों आप मुझे ये बताओ कि हमारा यहां तक तो 28 हो गया, है ना, अब एक और बनेगा त्रिभुज, वो कौन सा बनेगा जो कि ज्वाइंट से अलग होगा, ज्वाइंट से अलग होगा। देखो तो उस त्रिभुज की गिनती ज्वाइंट से अलग होगी, आप देखो ये दोनों तो ज्वाइंट हैं, आप इसको हटा दो, है ना, ज्वाइंट से अलग एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। अब आप देखो यहां से ऐसे 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 त्रिभुज बन रहा है, बताओ मुझे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक त्रिभुज बिल्कुल बन रहा है, तो एक हमारा ये काउंट हो जाएगा, यहां त्रिभुजों की संख्या 29 हो जाएगी, समझ गए ना, थोड़ा दिमाग का खेल है, तभी तो ये पूरा आपके लिए मैटर लिखा दिया गया है जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना मेरे बाबू मेरे शोना। ये वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, करके बताइए, देखो देखो या आप सभी आंसर करोगे पहले,
चलो आप करो पहले, आपके लिए 20 सेकंड है, ठीक है? 20 सेकंड में आप इस आंसर को निकाल के दिखाइए, तो फिर हम आपको मान जाएंगे कि हाँ आप भी मिशन वर्दी वाले हैं, ठीक है? तो फिर बताते हैं आपको। देखो ये वाली कंडीशन तो मैं आपको बता चुकी हूं कि ऐसे किसी वर्ग या व्रत में लाइनें खींच दी जाए तो आप निकाल लोगे आसानी से कि इसमें आपके कितने त्रिभुज होंगे। इसमें आपके 8 त्रिभुज होंगे, इसमें भी 8 हो जाएंगे, इसमें भी 8 हो जाएंगे, इसमें भी 8 हो जाएंगे। जिनको बिल्कुल नहीं पता वो थोड़ा पीछे जाए और क्लास को देखें, बहुत अच्छे से समझा दिया है कि 8 कैसे होंगे, ठीक है? अब आप मुझे ये बताओ इसमें ज्वाइंट कितने हैं। इन दोनों को जोड़ा है तो एक ज्वाइंट ये हो गया, एक ये हो गया, समझ रहे हो ना? पहले इनको जोड़ो, 8 × 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 6 = 32, ठीक है? इन दोनों के बीच में ज्वाइंट 1, 2 ज्वाइंट हो गए, ठीक है? अब इन दोनों के बीच का ज्वाइंट हो गया, इन दोनों के बीच का ज्वाइंट देखो, इन दोनों के बीच का ज्वाइंट, जब आप इन दोनों को ज्वाइंट करोगे ये दुनियादारी को अभी भूल जाओ, 1, 2 इन दोनों को याद रखो, एक ज्वाइंट यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, 1, 2 ज्वाइंट इसके हो गए। अब आप इसको और इसको जोड़ोगे तो एक ज्वाइंट यहाँ लगेगा, एक ज्वाइंट यहाँ लगेगा, 1, 2 ज्वाइंट इसके हो गए। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, ठीक है? समझ गए ना? 2 ज्वाइंट इसके हो गए, ठीक है? अब आप मुझे ये बताओ टोटल जोड़ के कितना हो गया, 2, 4, 6, 8, 32 और 8 = 40। क्या इसका आंसर 40 सही है? इसका आंसर 40 सही नहीं है, क्योंकि आप इस डेफिनेशन को अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपके चीजें समझ आ जाएंगी। ज्वाइंट हमेशा केवल दो खानों के बीच में ही बनता है। आपने दो खानों के बीच में ज्वाइंट बनाया है, बिल्कुल सही है। जबकि अगर कोई त्रिभुज 2 से अधिक खानों से मिलकर बना है, कितने खाने हैं भाई, 1, 2, 3, 4, 2 से अधिक खानों से मिलकर अगर कोई त्रिभुज बना है तो उस खाने की, उस त्रिभुज की गिनती ज्वाइंट से अलग की जाएगी। देखो अब बात करते हैं कि इसमें अलग से कितने त्रिभुज बन सकते हैं। आप इसको हटा दो, आप इस वाले को कंडीशन को हटाओगे तो देखो त्रिभुज एक कहां से बनेगा, यहां से एक पूरा त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज आपका ये बन गया, ठीक है? तो 40 जो आपके लिखे हैं, 40 में एक जोड़ो, ठीक है? अब आप इसको हटाओगे तो एक त्रिभुज आपका यहां से ऐसे बन जाएगा, ठीक है? अब आप इसको हटाओ, हर एक कंडीशन बताई जा रही है आपको, तो आपका कैसे बनेगा जब आप इसको हटाओगे, तो ऐसे करके ऐसे ऐसे, है ना? हमने ये हटाया, अब आप इसको हटाओ, जब आप इसको भी हटाओगे तो एक त्रिभुज आपका किस तरीके से बनेगा, कुछ समझ आ रहा है आपके? एक त्रिभुज और बनेगा इसमें। देखो हमने एक ऐसे बना लिया, हमने एक ऐसे बना लिया और ऐसे बना लिया, हमारा एक ऐसे रह गया, एक ऐसे बन जाएगा, ठीक है? तो कितने हो गए, 40 और 4 = 44, ठीक है? समझ गए, इसमें आपके 44 त्रिभुज होंगे। साथियों आप सभी के सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर देने की कोशिश कीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 1, इसमें भी त्रिभुज की संख्या पूछी है। बताइए कैसे, किस प्रकार हम निकालेंगे त्रिभुज की संख्या। देखो यहाँ पर एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पांचवा एक ये पूरा त्रिभुज हो गया। तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, इसमें आपके 5 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है? समझ गए ना? तो हम इन प्रश्नों को कुछ ऐसे करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ हम त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे 1, 2। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ कैसे निकालें, निकालने के लिए तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा एक ये पूरा हो गया, लेकिन आप इसको डायरेक्ट ऐसे निकालना है, 2 और 1 = 3 इसके हो गए, 1, 2, 3 इसके हो गए, 1, 2, 3 इसके हो गए,
और एक ये हो गया, ये भी तो एक पूरा त्रिभुज है, ठीक है। अंदर वाला पूरा मैटर हो गया और एक पूरा ये त्रिभुज हो गया, एक पूरा ये त्रिभुज हो गया, पूरे वाले का एक ले लिया मैंने, ठीक है। तीन, तीन दूनी छह, तीन त्रिका नौ, और एक आपका अंदर वाला, कितने हो गए? ग्यारह। समझ गए ना, इसमें कितने त्रिभुज हो गए आपके? ग्यारह त्रिभुज हो गए। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। एक, दो, तीन, चार, पांच, इन सबको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? पांच और चार नौ, और तीन बारह, और तीन पंद्रह, ठीक है। ऐसे ही इसमें करो, एक, दो, तीन, चार, पांच, इनको भी जोड़ोगे तो ये भी पंद्रह हो जाएंगे, लेकिन ये पंद्रह नहीं होगा। एक और दो कितने हो गए? तीन, और एक आपका ये बीच वाला, पंद्रह, पंद्रह दुनी तीस, तीस और तीन आपके तैतीस, और एक चौंतीस, लेकिन अभी ये पूरा नहीं है, एक ये पूरा वाला त्रिभुज भी हो जाएगा आपका, ठीक है। चौंतीस और एक पैंतीस, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा पैंतीस। क्वेश्चन चार, आप देख पा रहे हो, मतलब कि त्रिभुज दिया गया है, ये त्रिभुज है और ये वाला भी त्रिभुज है, एक सीधा है और एक उल्टा है। इसमें पूछा है कि बताइए कितने त्रिभुज हैं, और ये आपका हॉट स्टार वाला चिन्ह है, ठीक है। आप इसको त्रिभुज मत समझना, जो हॉट स्टार होता है ना वैसा आपका चिन्ह है, तारे की तरह है। तो आप इसको करोगे, एक ये हो गया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह आपके ये हो गए, और देखो एक त्रिभुज आपका ये हो गया, एक त्रिभुज आपका ये हो गया, आप देख पा रहे हो, और एक त्रिभुज आपका ये हो गया, कितने हो गए? छह, सात, आठ, आठ हो गए। क्वेश्चन पांच करने की कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन समझ आ रहा है? चलो बताते हैं। देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि दीदी इसमें तो पांच ही है। मैं कहूंगी इसमें पांच त्रिभुज नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें हमको अभी पांच और जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? इस वजह से जोड़ना है क्योंकि इसकी एक कंडीशन है, वो कंडीशन मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाली हूं, ठीक है। देखो, जैसे कि एक लाइन है हमारी, तो एक लाइन एक त्रिभुज ही बनाएगी। कैसे बनाएगी? तो आप मुझे ये बताइए, पांच लाइन कितने त्रिभुज बनाएंगी? पांच। कैसे? यहां पर हॉट स्टार ऐसे बनाए, एक लाइन, मतलब कि एक लाइन ये हो गई, दो, तीन, चार, पांच, ऐसी तो बन रहा है हॉट स्टार आपका, ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखो त्रिभुजों को गिना दूं मैं, एक त्रिभुज ऐसे हो गया, है ना, और दूसरा त्रिभुज ऐसे हो गया, दूसरा ऐसे हो गया, ये रहा, और तीसरा ऐसे हो जाएगा, मतलब कि आप आसानी से गिन लोगे। तीसरा, चौथा आपका ऐसे हो जाएगा, और पांचवे की बात करें तो पांचवा हमारा एक कंडीशन में होगा, वो कंडीशन है ये, ऐसे, ठीक है। इसमें पांच लाइन है तो आपके पांच और त्रिभुज बन जाएंगे, तो पांच और पांच आपके दस हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए। ये हो गया आपका आंसर। ये तीन प्रश्न आप सभी के सामने हैं, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हैं, ठीक है। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है तो आप कैसे ज्ञात करोगे, आप मुझे बता दो। ऊपर वाला तो सिखा दिया है, इसको तो आप सिंपली तरीके से कर सकते हो, एक, दो, तीन, चार, चार ये हो गए और एक ये पूरा त्रिभुज हो गया, मतलब चार और एक पांच। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ऐसे बड़े बड़े त्रिभुज आपको दे दिए जाएं, तो आप कब तक इनकी काउंटिंग करोगे कि एक त्रिभुज, भाई हम एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, फिर एक पूरा दस, फिर हम ऐसे करके ऐसे करेंगे, कब तक हम ऐसे देखेंगे? क्यों ना दीदी आप हमें ट्रिक बता दें,
आपके दिमाग में भी यही चल रहा है ना कि दी आप प्लीज हमको ट्रिक बता दीजिए जिससे हम आसानी से इस प्रश्न को हल कर पाए। अगर कभी भी त्रिभुज के अंदर इस तरीके से त्रिभुज दिया हो तो इसकी एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? सबसे पहले तो आप ये देख लो कितने खाने हैं, 1, 2, 3 है ना, 1, 2, 3 ऐसे तो आप लिखना जानते हो ना, ठीक है सीख गए। एक के आगे तो आप एक ही लिख दो है ना, एक के आगे आप एक ही लिख दो। अब आप एक में 2 जोड़ो तो कितने हो गए, 3 हो गए, बिल्कुल हो गए। 3 में 3 जोड़ो कितने हो गए, 9 हो गए। यहां तक कंडीशन आपको समझ आई नहीं आई? पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको यहां तक कंडीशन समझ आई तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। देखो भाई गलत हो गया, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6, ठीक है समझ गए। अब देखो अब हमको क्या करना है, 6 और 3 9 और 1 10, ये 10 हो गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 1, 2, 3, 1, 2, 3 इस तरीके से हमारे खाने थे, एक के सामने मैंने रूबरू एक लिख लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक में 2 जोड़ा तो 3 हो गए, 3 में 3 जोड़ा तो 6 हो गए। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे, इन सबको हमने जोड़ा तो हमारा 10 आया। अब आपको एक और ट्रिक अपनानी है इसी में, वो ट्रिक क्या है, नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर जाना है, एक छोड़ना है एक जोड़ना है, एक छोड़ना है एक जोड़ना है, ठीक है। तो देखो नीचे से ऊपर 6 से मुलाकात होगी तो 6 को छोड़ो, फिर 3 से मुलाकात होगी 3 को जोड़ो, फिर 1 से मुलाकात होगी 1 को छोड़ो, अगर इससे ऊपर कोई होता तो उसको जोड़ लेते। तो देखो 10 हम कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों तो हमने छोड़ दिए हैं, 10 और 3 13, इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 13 त्रिभुज होंगे। अगला क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश करें, देखो 1, 2, 3, 4 इसमें कितने खाने हो जाएंगे आपके, 4, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से लिख सकती हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब ट्रिक अपना दूं, एक के सामने एक है ना, अब एक में 2 जोड़ो कितने हो गए, 3, 3 में 3 जोड़ो कितने हो गए, 6, 6 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सबको जोड़ देंगे जो हमको प्राप्त हुए हैं, 1 और 3 4 और 6 आपके 10 हो गए, 10 और 10 20 हो गए। मैंने आपसे बोला था नीचे से ऊपर वाली कंडीशन में जाते हैं तो एक को छोड़ो एक को जोड़ो, एक को छोड़ो एक को जोड़ो। तो देखो ये इसके पास जाएगा, इसको छोड़ो इसको जोड़ो, इसको छोड़ो इसको जोड़ो, ऐसे तो बताया है, बिल्कुल ऐसे ही बताया है, 20, 20 और 6 26 और 1 27 इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसमें 27 त्रिभुज होंगे। प्यारे बच्चों अब हम निकालना सीखेंगे वर्ग, कि वर्ग हम किस तरीके से निकाल सकते हैं कि इस खाने में कितने हमारे वर्ग होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आप सभी के सामने सिंपल ही लिख देती हूँ जिससे कि आप भी खुश, और मैं तो खुश हुई है ना, मेरे चेहरे से आपको दिख जाता है कि मैं कितनी खुश हूँ। चलो कोई नहीं, आप भी खुश रहो, पेपर है तो क्या, टेंशन क्यों लें, हम तो हंसते हंसते पढ़ेंगे ना, बिल्कुल सही। देखो इसमें कितने वर्ग होंगे, तो ये तो सिंपल है भाई, एक है तो इसमें एक ही वर्ग होगा, तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। इसमें कितने वर्ग होंगे, 1, 2, 3, 4 चार ये हो गए और एक ये 5, इसमें 5 होंगे, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ इसमें कितने होंगे, इसमें कितने वर्ग होंगे, तो इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ, बता दूं आपकी इजाजत हो तो, गिनने मत लग जाना, जब सीधे सीधे ट्रिक है तो ट्रिक का यूज कीजिए। इसको मैं सिखाऊंगी, एक क्वेश्चन आपको दूंगी, आप उसको करने की कोशिश करना, ठीक है। तो देखो पहले तो आप देख लो ऊपर कितनी नंबरिंग आपकी हो रही है, 1
दो तीन चार पांच, है ना। और नीचे कितनी नंबरिंग हो रही है, एक दो तीन चार। यहां तक आप समझ गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। लास्ट वाले अंकों को आप ले सकते हैं, लास्ट में पांच है, ठीक है, और चार है, इन दोनों का करो गुणा, इन दोनों का किया आपने गुणा, ठीक है। अब आप कह रहे हैं पांचों बीस, बीस हो गए, बीस। मैं कहूंगी शांत रहो, अभी अभी बीस हाँ मानते हैं, गुणा करके बीस होते हैं, लेकिन अभी हमें चलना है, जब हम चलेंगे तभी तो सक्सेस तक पहुंचेंगे, ठीक है। अब ये कंडीशन आपको नीचे एक एक लेके आनी है, वो कैसे आ सकती है, पांच से एक कम करो चार, चार से एक कम करो तीन, फिर गुणा करो, चार से एक कम तीन, तीन से एक कम दो, है ना, तीन से एक कम दो, दो से एक कम एक। अब मैंने आपसे बोला था ना नीचे वाली कंडीशन आपकी एक आनी चाहिए, अब आप कहोगे कि दीदी दो से एक कम करेंगे तो एक आएगा, मैं कहूंगी बिल्कुल ठीक है आपका, लेकिन आप एक से एक कम करोगे तो जीरो आएगा, एक का गुणा जीरो में करोगे तो वो जीरो हो जाएगा। इस वजह से अगर दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन में एक आ जाता है तो आप उसको आसानी से वही छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आप इनका गुणा कीजिए, पांचों बीस, चार दिया बारह, तीन दुनी छह, दो एकम दो। अब जो ये कंडीशन आई है ना इनको जोड़ो, बीस और बारह बत्तीस, और छह अड़तीस, और दो चालीस। इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी, चालीस होगी। एक प्रश्न मैं आप सभी को देती हूं, आप सभी के सामने ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, करो क्वेश्चन। अब तो सिंपल लग रहा होगा भाई, इसमें आपको वर्ग ज्ञात करने हैं, इससे पहले एक क्वेश्चन बता चुकी हूं, उसी की बेस पे आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। देखो एक दो तीन चार पांच छह, ऊपर कितने खाने आपके, छह, नीचे खाने देखो एक दो तीन चार, लास्ट वाले अंक को आपको लेना है छह और चार, आपको लास्ट वाले अंक मिले, यहां से छह यहां से चार, इनको आपको गुणा में रखना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये हमारी ट्रिक है, इनसे हम निकाल लेते हैं, ठीक है। छह से एक कम करो पांच, ठीक है, चार से एक कम करो तीन, दोनों का गुणा, पांच से एक कम चार, तीन से एक कम दो, इन दोनों का गुणा, चार से एक कम तीन, दो से एक कम एक, ठीक है। अब आप एक से एक कम करोगे तो नीचे कंडीशन आपकी जीरो पहुंच जाएगी, तो मैंने आपसे बोला था कि आप एक से एक कम ना करें, एक वाली कंडीशन पे ही आप रुक जाएं। तो देखो छह चौक चौबीस, पांतिया पंद्रह, चार दुनी आठ, तीन एकम तीन। अब हम इनको जोड़ लेते हैं, चौबीस और पंद्रह आपके हो गए उनतालीस, उनतालीस और आठ सैतालीस, और तीन पचास, पचास इसमें होंगे वर्ग, ठीक है, समझ गए। तो प्यारे साथियों आज की क्लास में इतना ही, आपको क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेशन में अवश्य बताइएगा, और आप मुझे ये भी बताना कि आपको चीजें अच्छे से समझ आ रही हैं या नहीं आ रही, क्योंकि मुझे पता लगता रहता है कमेंट सेशन के माध्यम से कि आप कितना सीख रहे हैं। जब तक मुझे पता नहीं लगेगा तब तक मैं कैसे अपने आप अनुमान लगा पाऊंगी कि मेरे प्यारे बच्चे कितना सीख पा रहे हैं कितना नहीं सीख पा रहे। तो आप पूरी कोशिश कीजिए, किया कीजिए कि हम भी सामने वाले इंसान को बता सकें, मतलब सामने वाले इंसान बोले तो हम, आप हमको बता सकें कि आप कितना सीख पा रहे हैं कितना नहीं सीख पा रहे। तो साथियों 9 बजे लाइव सेशन में आना मत भूलना, अलंकार जो भी पढ़ाया है उसी को मैं आपसे पूछने वाली हूँ। साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।